और पीटीआई की हुकूमत खतरे में, पंजाब में फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया। राणा सनाउल्ला और राणा मशरूद ने काफ लीग से रابطوں की तस्दीक कर दी। लीगी रहनुमा कहते हैं कि काफ लीग इतिहाद से निकली तो साथ मिलाने का सोचेंगे। काफ लीग के रहनुमा मोनस इलाही ने हुकूमत से कई तहफुजात का इजहार कर दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राणा सनाउल्ला ने दावा किया कि खुद तहरीक इंसाफ के अंदर भी पंजाब में उस्मान गुजार की हुकूमत की तब्दीली की ख्वाहिश मौजूद है और काफ लीग को अपने इत्तेहादियों से शिकायत है। उन्होंने कहा कि नून लीग जमहूरी और पार्लिमानी तरीका इख्तियार करके पंजाब हुकूमत गिराना चाहती है। अगर काफ लीग तहरीक इंसाफ के इत्तेहाद से बाहर आती है तो फिर इसे साथ मिलाने के बारे में सोचा जाएगा। गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ ने मुतालबात की अदम मंजूरी पर तहफ़ुज़ात का इजहार किया था। हुकूमती वफ्द से होने वाली मुलाकात में काफ लीग ने मुतालबात पर अमल दरामद के लिए एक हफ्ते की मोहलत दी थी। काफ लीग के रहनुमा मोनस इलाही का कहना है कि हुकूमत से कई तहफ़ुज़ात हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राणा मशरूद ने भी दावा किया है कि उनके साथ पीटीआई के इतने अरकान के रवाबत हैं कि चाहें तो एक महीने में सब कुछ उलट सकते हैं। राणा मशरूद ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अराकीन असेंबली के साथ रابطے आज के नहीं हैं बल्कि पिछले साल से हैं। लीग रहनुमा ने 2020 को तब्दीली का साल करार दिया और कहा कि इस साल तब्दीली आकर रहेगी।